हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पे। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशंस था उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है और वो टॉपिक होगा पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट। एक्चुअली में इस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपका आरएनए इंटरफेरेंस के वजह से, है ना। आरएनए इंटरफेरेंस की वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। एक्चुअली में पेस्ट रेसिस्टेंस वैरायटी जो आप देख रहे हो उसमें क्या होता है कि आरएनए इंटरफेरेंस प्रोसेस के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग बहुत टाइप के पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे तो आपके सिलेबस में जो पेस्ट कंट्रोल दिया गया है वो इसके बारे में, रूट नॉट डिजीज के बारे में बताया गया है जो स्पेशली पाया जाता है टोबैको प्लांट में। तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा आरएनए स्प्लाइसिंग, है ना, या फिर आरएनए इंटरफेरेंस मेथड। हम लोग सबसे पहले इस टॉपिक को समझते हैं। देखिए, आरएनए इंटरफेरेंस मेथड जो होता है उसको समझने के लिए मैं पहले बेसिक जो बातें हैं पीछे का मैं वो बताना चाहूँगा आपको। आपको याद होगा मैंने बताया था मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कि डीएनए जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो जब डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करता है तो क्या बनाता है, मैसेंजर आरएनए बनाता है। और ये प्रोसेस कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर चलने वाला ये प्रोसेस है। तो जब मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन पहले कैसा होता है, आपको याद होगा मैंने बताया था कि ये कैसा होता है, प्री मैच्योर होता है। ये कैसा होता है, प्री मैच्योर होता है ना। और जब इसमें फिर क्या होता है, ये प्री मैच्योर मैसेंजर आरएनए जो है वो स्प्लाइसिंग में जाता है। ये क्या जाता है, स्प्लाइसिंग में चला जाता है। और जब ये स्प्लाइसिंग में जाता है तब बनाता है ये मैच्योर एमआरएनए। तब ये क्या बनाता है, मैच्योर एमआरएनए बनाता है ना। और ये मैच्योर एमआरएनए फाइनली मैच्योर आरएनए जो होता है वो ट्रांसफ़र कर जाता है किसमें, साइटोप्लाज्म में, है ना। ये मैच्योर आरएनए क्या होता है, साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र कर जाता है। और साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र करने के बाद बाय द मीन्स ऑफ ट्रांसलेशन राइबोसोम की मदद से ट्रांसलेशन प्रोसेस के द्वारा ये क्या बनाता है, तो प्रोटीन बनाता है। और ये प्रोटीन जो होता है वो एक्सप्रेशन करता है उस पर्टिकुलर जीन का जो एक डीएनए के द्वारा हैंडल किया जा रहा है ना। और ये एक्सप्रेशन जो होगा ये बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म रिएक्शन को कंट्रोल करेगा या बॉडी के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। कुछ ऐसा ही बात जो है वो हमने पढ़ा है किसके बारे में, एक नॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर के बारे में। अब देखिए, आरएनए इंटरफेरेंस मेथड जो हमारा है उसमें क्या होता है, देखिए मैंने वही बता दिया यहाँ पे कि प्रोड्यूस एमआरएनए ट्रांसफर टू न्यूक्लियस ऑफ साइटोप्लाज्म एंड परफॉर्म इट फंक्शन। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आरएनए साइलेंसिंग में हम लोग करते क्या है। एक्चुअली में देखो, नाम से पता चल रहा है कि हम क्या करते हैं, आरएनए को साइलेंस कर देते हैं। जो मैसेंजर आरएनए एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए आया है, एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन के लिए आया है साइटोप्लाज्म के अंदर, एक सेलुलर मैकेनिज्म के अंदर, हम लोग क्या करेंगे, आरएनए साइलेंसिंग प्रोसेस के द्वारा या आरएनए इंटरफेरेंस प्रोसेस के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके फंक्शन को इंटरफेयर करेंगे। देखो एक्चुअली में ये प्रोसेस जो है ना वो नेचुरली भी प्लांट और एनिमल्स और यूकेरियोट्स में होता रहता है ना। हम लोग उसी के मैकेनिज्म को समझने जा रहे हैं। अब देखिए, इस मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको ये समझना है कि जो मैसेंजर आरएनए होता है वो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है ना। तो मैसेंजर आरएनए जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है इसके साथ हम टैगअप करते हैं किसको, डबल स्ट्रैंड आरएनए को। अब ये डबल स्ट्रैंड आरएनए क्या होता है भाई, ये डबल स्ट्रैंड आरएनए जो है वो एक्चुअली में क्या होता है, तो आपको पता है कि मैसेंजर आरएनए जो सिंगल स्ट्रैंड होता है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, लेकिन डबल स्ट्रैंड आरएनए होगा तो क्या होगा, ये कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा ना। तो जब कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा तो ऐसे कंडीशन में ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है ना। जहाँ तक अगर हम लोग एक यूकैरियोटिक सेल में देखें तो ये नेचुरली भी यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, जबकि आप इसको कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज के द्वारा भी प्रोवाइड कर सकते हो। ऐसे देखिए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कुछ वायरसेस,
कुछ वायरसेस होते हैं जो डबल स्ट्रैंड आरएनए को इंजेक्ट कर देते हैं होस्ट सेल के अंदर में, या फिर आपने आप एक नाम सुनेंगे ट्रांसपोसोन्स। ये ट्रांसपोसोन्स जो आप देख रहे हो ये एक्चुअली में क्या होता है, मोबाइल जेनेटिक मैटर होता है जो हम आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर देते हैं सेल के अंदर, है ना। तो ये डबल स्ट्रैंड आरएनए क्या होता है, कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है मैसेंजर आरएनए का। ओके, अब देखिए ये डबल स्ट्रैंड आरएनए जैसे ही उस कंप्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए के साथ आएगा तो एक इंडोन्यूक्लिएज टाइप का, देखो ये जो डाइसर है ना ये एक इंडोन्यूक्लिएज है। इंडोन्यूक्लिएज क्या है भाई, तो प्रोटीन है या फिर कह सकते हैं एंजाइम है। तो ये एक्टिव हो जाता है ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ डबल स्ट्रैंड आरएनए और कंप्लीमेंट्री बेस पेयर ऑफ मैसेंजर आरएनए। ओके, तो जब ये एक्टिव हो जाएगा तो इसके एक्टिवनेस की वजह से देखिए कुछ स्पेशल टाइप के आरएनए प्रोड्यूस होते हैं सेल के अंदर, जैसे होता है एसआई आरएनए, एसएचआरएनए, एमआई आरएनए। अब एसआई आरएनए जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए होता है। SHRNA जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट हेयर पिन RNA, और MIRNA हो गया आपका माइक्रो RNA। ओके, तो स्पेशली SIRNA और MIRNA इसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सारे मिल करके एक्चुअली में ये सारे चीज़ जो होते हैं, मतलब SIRNA, SHRNA और MIRNA, ये along with डाइसर जो कि इंडोन्यूक्लिएज टाइप का, इसके साथ मिल जाता है और मैच करके क्या करता है, ये DNA को क्लीव करता है, मतलब सॉरी ये डबल स्ट्रैंड आरएनए को क्लीव करता है, मतलब उसको कट कर देता है। ओके, ये पूरे सिस्टम को हम लोग एक कम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिस्क। देखिए मैंने वही आगे बताया है आपको, देखिए ये SIRNA, SHRNA और MIRNA क्या करता है, रिस्क का फॉर्मेशन करता है। ये रिस्क क्या हुआ भाई, इसका फुल फॉर्म हो जाता है आरएनए इंटरफेरेंस स्लाइसिंग कम्प्लेक्स। ये एक टाइप का प्रोटीन है। ओके, और along with some special protein जैसे स्लाइसर हो गया, आर्जेनॉट हो गया, ये स्लाइसर और आर्जेनॉट के साथ मिलकर के क्या करता है, डबल स्ट्रैंड जो आपका आरएनए था ना उसको क्लीव आउट कर देता है, उसको क्या कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है एक पर्टिकुलर सेक्वेंस के फॉर्म में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो SIRNA या MIRNA, बेसिकली ये दोनों आरएनए जो होता है वो उस डबल स्ट्रैंड आरएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में कट करता है विद द हेल्प ऑफ रिस्क। और रिस्क जो होता है उसमें हेल्प कौन करता है, उसका स्लाइसर जो कि एक प्रोटीन है, और आर्जेनॉट भी क्या है, एक प्रोटीन है। ये दोनों प्रोटीन मिलकर के इसको क्लीव आउट कर देता है। ओके, अब देखिए अब क्या होता है भाई कि अलोंग विथ दीज कम्प्लेक्स SIRNA, SHRNA और MIRNA बाइंड विथ अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ mRNA। चूंकि ये जो SIRNA और MIRNA जो है इसका वो सीक्वेंस किससे मैच करता है, mRNA के सीक्वेंस से मैच करता है, जो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है उसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को कट करता है जिसकी वजह से ट्रांसलेशन होता है, जिसकी वजह से एक्सप्रेशन होता है। ओके, और फाइनली ये जब mRNA को कट करता है तो mRNA को कट करने के बाद ये क्या कर देता है, मास्क कर देता है स्पेसिफिक सीक्वेंस को। किस सीक्वेंस को, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस के mRNA को मास्क कर देता है। ये कट करता है किसको, डबल स्ट्रैंड RNA को। डबल स्ट्रैंड RNA को कट करके, चूंकि इस डबल स्ट्रैंड RNA का जो सीक्वेंस है वो mRNA के सीक्वेंस से मिलता है, तो ये इस mRNA के सीक्वेंस को मास्क कर देता है। जैसे मान लो ये mRNA है ना आपका, ये mRNA है और इसके स्ट्रैंड अवेलेबल हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसको इस तरह से मास्किंग कर देता है। और आप समझ रहे हैं जब इसको मास्क कर देगा तो क्या होगा, इसकी वजह से इसका एक्सप्रेशन जो होगा वो प्रॉपर वे में शो आउट नहीं कर पाएगा, अपने एक्सप्रेशन को शो आउट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये ट्रांसलेशन ही नहीं करेगा। तो इस तरह से हम इसको क्या कर देते हैं, साइलेंस कर देते हैं। ओके, तो एक बार फिर से आप समझ लीजिए इसको, मैंने क्या क्या बताया आपको कि जनरली आरएनए इंटरफेरेंस प्रोसेस जो होता है उसमें क्या क्या मैंने बताया कि हम लोग मैसेंजर आरएनए जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है उसको डबल स्ट्रैंड आरएनए के साथ क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, मैच कर देते हैं। एक्चुअली में ये खुद मैच कर जाएगा, है ना। ये डबल स्ट्रैंड आरएनए क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए होता है जो या तो नेचुरली यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है फॉर द मीन्स ऑफ सेलुलर डिफेंस,
सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म के लिए ये ऑटोमेटिकली पाया जाता है, या फिर कोई वायरसेज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो डबल स्ट्रैंड आरएनए को किसी होस्ट सेल के अंदर डाल दे अपने एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर हम आर्टिफिशियली ट्रांसपोसॉन्स के द्वारा हम डबल स्ट्रैंड आरएनए को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जैसे ही आप डबल स्ट्रैंड आरएनए और एमआरएनए दोनों जब एक दूसरे के साथ मिलेंगे ना, तो ये एक प्रोटीन को एक्टिव कर देगा, दैट इज कॉल्ड डाइशर। ये प्रोटीन क्या है भाई? तो ये प्रोटीन एक टाइप का इंडोन्यूक्लिएज है। ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करता है, डीएनए को क्लिप करता है ना, डबल स्ट्रैंड जो आरएनए है उसको क्लिप करेगा, तो ये एक प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन अलोंग विथ क्या, सम सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है ना, ये सब जो देख रहे हो ना, ये सब जो है वो पार्ट है जो डबल स्ट्रैंड आरएनए के वजह से आया है। तो क्या हो सकता है, वो हो सकता है एसआई आरएनए जिसको स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए बोलते हैं, या फिर हो सकता है एसएचआरएनए जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट हेयर पिन आरएनए, या फिर होता है एमआईआरएनए जिसको बोलते हैं माइक्रो आरएनए। तो स्पेशली एसआईआरएनए और एमआईआरएनए जो होता है ये डाइसर के साथ मिलकर के इस डबल स्ट्रैंड आरएनए को क्लीव आउट कर देता है, इसको क्लीविंग कर देता है इसको। और क्लीविंग क्या करता है, एक स्पेसिफिक सिक्वेंस पे करता है, क्योंकि इसका भी सिक्वेंस और इसका भी सिक्वेंस क्या है, कंप्लीमेंट्री है। ओके और इसको जब क्लीव आउट करता है तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, उसी कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते थे, रिस्क। उसी कॉम्प्लेक्स का नाम देखिए ये रिस्क है। देखिए एस आई आर एन ए, एस एच आर एन ए और एम आई आर एन ए जो होता है वो क्या बनाता है, रिस्क बनाता है एलोंग विथ डाइशन, और ये क्या करता है, क्लीव कर देता है डबल स्ट्रैंड आर एन ए को। तो डबल स्ट्रैंड आर एन ए जब क्लीव होता है तो एक स्पेसिफिक सिक्वेंस से क्लीव होता है, क्योंकि ये सब भी क्या था, कुछ स्पेसिफिक सिक्वेंस का अवेलेबल था, और उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को क्लीव करके करने के लिए इसके पास और भी कुछ एंजाइम्स अवेलेबल होते हैं, वो क्या होते हैं, स्लाइसर और आर्जेनॉट। स्पेशली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है आपके लिए। तो ये जो सब मिल करके क्या कर देता है, उसको क्लीव कर देता है, और जब क्लीव हो जाएगा वो, तब क्या होगा, वो बाइंड करेगा उस आरएनए से जो रिस्पॉन्सिबल है किसी पर्टिकुलर टाइप के एक्सप्रेशन ऑफ जीन के लिए, उसके साथ ये बाइंड कर जाएगा, है ना, और बाइंड करके उसको क्या कर देगा, मास्क कर देगा। देखो मैंने वही बताया था आपको कि ये सिंगल स्ट्रैंड एमआरएनए जो पर्टिकुलर टाइप के कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको क्या कर देगा, ये मास्किंग कर देगा। अब इसी मैकेनिज्म का, देखो ये अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म माना जाता है, क्योंकि इसका जो यूजेस है, इसका जो एप्लीकेशंस है वो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके साथ आप क्या कर सकते हो, तो इस मेथड के साथ आप कोई भी मैसेंजर आरएनए जो अपने कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो एक खास कैरेक्टर के लिए किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है, हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको मास्किंग कर सकते हैं, है ना, और उसके उस कैरेक्टर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ओके तो इसी मेथड का यूज़ किया जाता है, किसमें, तो इस मेथड का यूज़ किया जाता है, देखिए इस पर्टिकुलर टाइप के पारासाइट को कंट्रोल करने में, जिसका नाम क्या है, मेलोइड गाइन इंकोग्निसिया, है ना, मेलोइड गाइन इंकोग्निसिया को जब हम कंट्रोल करते हैं तो उसके लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड आरएनएआई, वही आरएनएआई है ये, है ना। तो कैसे करते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब देखो चूंकि इसके अंदर इस पर्टिकुलर, देखो ये क्या है भाई, एक टाइप का नेमेटोड होता है, तो मेलोइड गाइन इंकोग्निसिया जो है वो एक्चुअली में रूट नॉट डिजीज काउज करता है, किस प्लांट में भाई, तो टोबैको प्लांट में। ये सब इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। तो हम लोग करते क्या है कि अगर मान लो जो रूट नॉट काउज करता है इस पर्टिकुलर निमेटोड के द्वारा, है ना, ये निमेटोड जो इस पर्टिकुलर रूट नॉट को काउज करता है, उसके लिए क्या होगा, इसके पास कोई पर्टिकुलर मैसेंजर आरएनए होगा। अब उस मैसेंजर आरएनए को अगर हम साइलेंस कर दें तो क्या होगा, वो पर्टिकुलर मैसेंजर आरएनए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा इस टाइप के इफेक्ट को पैदा करने के लिए, है ना। तो हम लोग करते क्या हैं, हम लोग आरएनएआई मेथड के द्वारा वेक्टर यूज़ किया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम टुम्बिफेसियंस, और इस वेक्टर के द्वारा हम टोबैको प्लांट सेल के अंदर उस जीन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उस डीएस डबल स्ट्रैंडर आरएनए को इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होता है
इस पर्टिकुलर टाइप के पैरासाइट को कंट्रोल करने में, है ना। तो कहीं ना कहीं हम वो जीन जो है उसको सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उसको मैग्नीफाई करना पड़ेगा, उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट में हमको तैयार करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एग्रोबैक्टीरियम टोमिफेसियंस। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, टोबैको प्लांट के सेल में इंट्रोड्यूस कर देंगे। टोबैको प्लांट के सेल में जब इंट्रोड्यूस कर देंगे तो इससे क्या होगा, रूट नॉट डिजीज जो होगा वो नहीं होगा टोबैको प्लांट में, और प्रोडक्शन यील्ड मेरा हाई हो जाएगा। तो देखिए वही मैंने बताया है कि 10 प्रोडक्शन रेट ऑफ टोबैको प्लांट बैडली अफेक्टेड ड्यू टू मेलाडोआइडिगाइन इनकोग्निशिया, है ना। तो मेलाडोआइडिगाइन इनकोग्निशिया से ये टोबैको प्लांट जो होता है ना उसका प्रोडक्शन रेट घट जाता है। तो आप देखिए मैंने बताया है कि बाय यूजिंग वेक्टर नेमेटोड स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट प्लांट, अब जब होस्ट प्लांट के अंदर आप इसको डालोगे तो ये क्या करेगा भाई, तो ये देखिए सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड प्रोड्यूस करेगा, किसका, आरएनए का, है ना। अब ये दोनों स्ट्रैंड, चूंकि सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड एक ही जीन के द्वारा पैदा किया जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, कंप्लीमेंट्री होगा। और जब कंप्लीमेंट्री होगा तो क्या करेगा, आसानी से मास्क कर देगा उसके जीन को, वही है देखिए, एंड फॉर्म्ड डीएसआरएनए, डबल स्ट्रैंड आरएनए फॉर्म करेगा रिस्पॉन्सिबल फॉर आरएनए आई, है ना, आरएनए इंटरफेरेंस को वो ये कर देगा, मतलब उसको इनिशिएट कर देगा वो, है ना। दस इट साइलेंस्ड द स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ नेमेटोड एंड पैरासाइट अनेबल टू सर्वाइव ओवर द होस्ट प्लांट, इस तरह से पैरासाइट जो होगा वो होस्ट प्लांट के ऊपर सर्वाइव नहीं करेगा। तो प्रोसेस हमारा क्या था कि हम जो है जीन सीक्वेंस को लेंगे, है ना, विद द हेल्प ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम लोग उसको क्या करेंगे भाई, तो वेक्टर के द्वारा, वेक्टर आपको याद है ना, वेक्टर क्या करेंगे हम लोग, तो वेक्टर वो कौन सा होगा हमारा, तो ये वेक्टर होगा मेरा एग्रोबैक्टीरियम, है ना, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर होगा मेरा, और होस्ट ये किसका जीन हम लोग ये करेंगे, तो मेलाडोआइडिगाइन इनकॉग्निशिया का जीन हम लोग लेंगे जो रिस्पॉन्सिबल है रूट नॉट डिजीज के लिए, है ना। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग डाल देंगे होस्ट सेल के अंदर, और होस्ट सेल हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा टोबैको प्लांट, है ना, टोबैको प्लांट। फाइनली क्या हो जाएगा, जैसे ही ये इन्फेक्शन काउंस करेगा, मतलब मेलाडोआइडिगाइन इनकोग्निशिया जैसे ही अपने जीन को एक्सप्रेस करना चाहेगा इस टोबैको प्लांट के अंदर, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, आरएनए आई के अंतर्गत, आरएनए आई के प्रोसेस के द्वारा वहाँ सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड पैदा हो जाएगा। वो सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड क्या करेगा भाई, तो स्पेसिफिक एमआरएनए को साइलेंस कर देगा बाय द मैकेनिज्म ऑफ आरएनए आई, ओके। तो इस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और इस तरह से ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग मेलाडोआइडिगाइन इनकोग्निशिया को ही कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी में इसी के बारे में बताया गया, और भी बहुत सारे होस्ट को हम इस प्रोसेस के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, इवन थेरेपेटिक पर्पस के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं आरएनएआई का। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पर बने रहने के लिए, थैंक यू।